दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके से, जहां बीते दिन 64 साल के बुजुर्ग की चाकुओं से मारकर निर्मम हत्या के मामले में बीजेपी को घेरा। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले एक मुकदमे पर राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटा है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट जो भी फैसला लेगी, राज्य सरकार उसका पालन करेगी। बीजेपी नेता विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में लोगों की समस्याओं को लेकर लोक अभियान चलाया। इस कड़ी में विजय गोयल ने कहा कि राजीव चौक कैनॉट प्लेस पर हम आज सर्वे कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होना चाहिए। लगातार लोग आकर इस फॉर्म को भर रहे हैं। दिल्ली के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पानी और सीवर का है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने 30 नवंबर यानी कि आज अगरतला में 30वें टाई पेडिकॉन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति पर केंद्रित है। जानकारी के मुताबिक उद्घाटन समारोह अगरतला के IMA भवन में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार EVM पर सवाल उठाता रहा है। अब राज्य कांग्रेस के प्रभारी नाना पटोले ने नतीजे को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया पर लोगों के संदेह दूर करने की जरूरत है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव इसे लेकर पुणे में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के पानी के संकट पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 2020 में केंद्र सरकार ने एक जल स्तर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बहुत ही चिंताजनक स्थिति दिखाई गई थी। भारत के सभी राज्यों में जल स्तर नीचे चला गया था, लेकिन महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जल स्तर बढ़ा था। बिहार में प्रदेश कांग्रेस ने विधानमंडल में पेश CAG रिपोर्ट को लेकर सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई है। कांग्रेस ने कहा कि CAG की रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि बिहार की NDA सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, तो वहीं राजद प्रवक्ता ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बिहार में एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पैसे खर्च नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हो गई। पदयात्रा के दौरान उन पर एक शख्स ने तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की, बाद में उस व्यक्ति को उनके सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी पहली बार अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने सबसे पहले अपनी जीत के लिए वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो यहाँ के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगी। राहुल और प्रियंका 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ, मैं यहाँ आपकी समस्याओं को गहराई से समझने के लिए हूँ। कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश ने GDP के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार का जमकर घेराव किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान विकास की मंदी पर ना होकर प्रचार और प्रसार में है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। GDP वृद्धि में तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी धीमा है।